साथ दीपिका जहांगीर। दिवाली एक ऐसा त्यौहार जो सभी के लिए खुशियां लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से यहाँ पर बेरोजगार जो है वो धरने पर बैठे और कह रहे हैं कि हम ये काली दिवाली मनाएंगे। और इसी को लेकर बात करेंगे उपेंद्र यादव से, जिनकी जो क्या क्या मांगे उनसे जानेंगे। और आइए बात करते हैं सर, किस चीज को लेकर आज आपका धरना प्रदर्शन जारी है उसके बारे में बताइए। पिछले 22 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन जारी है, कल से खाना नहीं खाया, काली दिवाली हम बना रहे हैं, आज भी खाना नहीं खा रहे, सरकार के विरोध में काली दिवाली बना रहे हैं और शाम को लक्ष्मी पूजन करेंगे प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए, प्रदेश के बेरोजगारों के भविष्य के लिए और सरकार की सद्बुद्धि के लिए। 22 दिन से आंदोलन जारी है और यदि सरकार आज भी नहीं सुनती है तो बहुत जल्द इसी महीने में उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी की रैली में कूच करेंगे, वहाँ विरोध करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम मांग कर रहे हैं प्रयोगशाला असहायक चिकित्सा विभाग की भर्ती 1534 अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाए, उनको ज्वाइनिंग दी जाए। हम मांग कर रहे हैं रीढ़ शिक्षक भर्ती 2021 में जो 31,000 पद आ रहे हैं अतिरिक्त पद सर्जित करके और नए 5,000 पदों पर विशेष शिक्षकों की भर्ती निकाली जाए। हम मांग कर रहे हैं पीटीआई भर्ती निकाली जाए। हम स्कूल व्याख्याता में 600 निवासी पद जोड़ने की मांग कर रहे हैं, उसकी अधिसूचना जारी हो। हम मांग कर रहे हैं रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018 पूरी हो, पंचायती राज जैन भर्ती आए, पंचायत राज एलडीसी भर्ती का कैलेंडर जारी हो, चिकित्सा विभाग में भर्ती आए, अध्यादेश आए जाए लाया जाए, गैर जमानती कानून का मुकदमे वापस हो, लंबित भर्तियाँ पूरी हो, नई भर्तियाँ निकाली जाए और बाहर राज्य का कोटा समाप्त हो और भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी हो। तमाम 21 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है। 7-8 मांग हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन बाकी मांगों के लिए हमारा आंदोलन जारी है पिछले 22 दिन से। क्या लगता है आपको, सरकार आपकी मांगे मानेंगे? आज जो आप यहाँ पे काली दिवाली मना रहे हैं, दिवाली के दिन दिवाली खुशियों का त्यौहार होता है, लेकिन फिर भी आज आप यहाँ पर बैठे हैं अपने परिवार को छोड़कर, क्या लगता है आपको? सरकार नहीं मानेगी तो सरकार, कांग्रेस सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया है और बेरोजगार विरोधी, युवा विरोधी, युवा जागरण अभियान की शुरुआत भी हम दिसंबर महीने में यहाँ करेंगे। पूरे प्रदेश में जिले से लेकर तहसील तक जाएंगे, लेकिन किसी भी हालात में कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कांग्रेस हमारी मांगे नहीं मानी तो राजस्थान से उखाड़ फेंकेंगे 2023। चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार को? सरकार को ये कहना चाहूँगा कि युवाओं में आक्रोश है, इसका गंभीर परिणाम आने वाले समय में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और एक अभियान और चलाएंगे। यदि सरकार मांगे नहीं मानती तो प्रदेश के किसी भी कोने में राजनेताओं के पोस्टर हम हटाएंगे, फाड़ेंगे और जहाँ नेता जाएंगे विरोध करेंगे। सरकार मांगे मानती है तो अभियान भी वापस ले लेंगे और आंदोलन खत्म कर देंगे, लेकिन आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में बड़ा कांड होगा, महाकांड होगा और पूरे देश में उसकी गूंज होगी। अभी भी समय सरकार जाग जाए, बेरोजगारों की मांगों को माने, संवेदनशीलता दिखाए और बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को पूरा करे तो हम आंदोलन समाप्त कर देंगे, नहीं तो आर पार की लड़ाई लड़ें। आज दिवाली और दिवाली के दिन सब लोग यहाँ पर बैठे हैं अपने घरों में ना जाकर, क्योंकि खुशियों का त्यौहार है और यहाँ पर काली दिवाली मनाई जा रही है, तो आप यहाँ पर बैठे जो युवा है उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये युवा, इनके साथ साथ इनके माता पिता के सपने जुड़े हुए हैं, माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बेटे को रोजगार कब मिले, नौकरी कब मिले, जिससे वो दिवाली मना पाए। आज हालात गंभीर है, आर्थिक हालात गंभीर है, आखिरकार वो घर पर किस मुँह से जाए युवा? आज वो बिल्कुल अवसाद में है। आपने देखा होगा कि कई बेरोजगारों ने तो आत्महत्या ही तक कर ली। ऐसे में बेरोजगारों की दिवाली तब होगी जब इनको समय पर रोजगार मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, तभी असली दिवाली होगी। उस दिवाली के लिए लोग यहाँ बैठे हैं। अब सरकार कब हमारी मांगे पूरी करती है? जब मांगे पूरी होगी तभी बेरोजगारों की दिवाली होगी और तमाम मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है। तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र यादव, इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से दिवाली जो है वो काली दिवाली यहाँ पर मनाई जा रही है। इनकी जो मांगे हैं वो भी हमने अभी सुनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ युवा अपने घर ना जाकर अपने परिवार के साथ दिवाली ना मनाकर यहाँ पर बैठे हैं और इनकी जो मांगे हैं अगर सरकार पूरी नहीं करती है तो इनका कहना है कि ये काफ़ी गंभीर बात हो जाएगी अगर सरकार के द्वारा इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है। आइए बात करते हैं और भी लोगों से यहाँ पर जो बैठे हैं कि किस तरीके से वो दिवाली को लेकर काली दिवाली यहाँ पर मना रहे हैं और क्या कुछ उनकी मांगे हैं और सरकार से वो क्या कुछ कहना चाहिए। आइए बात करते हैं। मैम आज दिवाली है और आप यहाँ पर काली दिवाली मना रहे हैं तो सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? हमारी सरकार से बस यही मांग है कि अभी जो रीट 2021-29,000 वाली भर्ती है उसमें 5,000 विशेष शिक्षक के पद निकाले जाए ताकि दिव्यांग बच्चों को, विशेष बच्चों को शिक्षा मिल सके। और हमारी मांगे ज़्यादा कुछ नहीं है सरकार से, सिर्फ हम दिव्यांगों के हक में ही बात कर रहे हैं ताकि वो शिक्षित हो सके, आगे आत्मनिर्भर बन सके। और सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है, यही विनती है कि हमारे 5,000 विशेष शिक्षक के पद निकाले जाए और हम काली दिवाली यही मनाएंगे। हमने यहाँ आज 22 दिन से हम धरने पर बैठे, हमने पहले भी दशहरा, करवा चौथ, यहाँ तक कि आज दिवाली के रूप में भी, आज दिवाली के दिन भी हम घर ना जाकर यहीं बैठे हैं और दिवाली काली दिवाली के रूप में हम यही मनाएंगे। मैम मैं यही बोलना चाहूँगी कि विशेष शिक्षकों को 5,000 पद निकालें।
यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का यही कहना है कि सरकार द्वारा यहाँ पर इन्होंने हर त्यौहार को इस भर्ती के लिए यहाँ पर जो भी इनकी मांगे उसके लिए हर त्यौहार को यहाँ पर इन्होंने छोड़ा है, लेकिन फिर भी सरकार जो उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। सरकार से ये सिर्फ यही कह रहे हैं कि इनकी जो भी मांगे उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर ये मांगे सरकार द्वारा पूरी नहीं की जाती है तो इनके द्वारा उत्तर प्रदेश में, जैसे उपेंद्र जी ने हमें बताया, उत्तर प्रदेश में इनके द्वारा एक कूच किया जाएगा। और सरकार अगर इस बात को गंभीरता से नहीं लेती है तो ये जो दिवाली इनके द्वारा जो काली दिवाली मनाई जा रही है वो और भी ज़्यादा काली दिवाली हो सकती है। अपने घर और परिवार को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ इस वक्त मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बेरोजगार युवा है वो यहाँ पर बैठे हैं। इनको दिवाली से इनका एक ही जो मकसद है वो ये है कि किसी भी तरीके से जो इनकी मांगे हैं वो मान ली जाए, और अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो इनके द्वारा एक गंभीर जो है वो स्टेप उठाया जाएगा। यहाँ पर मौजूद और भी युवाओं से हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ उनकी मांगे हैं, और बताइए सर। जैसा कि आप मैम देख रहे हो, आज 22 दिन से हम लगातार यहाँ हमारी मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बैठे हैं, और सरकार की कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये संवेदनहीनता ही होगी जो आज यहाँ, एक तरफ तो सरकार किसानों के लिए बोलती है कि वहाँ दिल्ली बॉर्डर पे किसान बैठे हैं और ये उन्हीं किसानों के बेटे हैं, आज जो दिवाली पे यहाँ 22 दिन से शहीद स्मारक पे आपके राज्य की राजधानी में और आपकी जो सरकार है उसके एकदम जड़ में बैठे हैं, फिर उनको सुना नहीं जा रहा और आप बात प्रदेश की छोड़कर देश की करते हो। पहले देश तो बाद में है, पहले प्रदेश को संवारे। यहाँ बेरोजगार आज अवसाद में है, दिवाली की बात रही तो दिवाली में अब ये बेरोजगार किस मुंह से घर जाएं। आज 22 दिन इस धरने पे बैठे हैं, जो यहाँ मुख्य मुख्य मांगे लेके बैठे हैं। आज हम हमारी 2012 की शिक्षक भर्ती है, अधिक अंक होते हुए भी हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। ये गहलोत सरकार के पिछले कार्यकाल की भर्ती है और आज सरकार का दूसरा कार्यकाल है और हमें मजबूरन यहाँ बैठना पड़ रहा है। आगे चल के बात करते हैं और जानेंगे कि किस तरीके से दिवाली के दिन यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे। हम पिछले 22 दिनों से लगातार यहाँ धरने पर बैठे हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। कोविड काल में हमने अपनी जान की परवाह किए बगैर कोविड सैंपल लिए, कोविड जाकर घर घर जाकर सर्वे किए, और इस कार्यकाल के दौरान हमारे 3 साथी शहीद भी हुए। इसके बावजूद सरकार आज 2018 में निकाली गई 1534 पदों पर प्रयोगशाला सहायक भर्ती आज तक चयन सूची जारी नहीं कर पाई। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया या ऐसी कौन सी गलती कर दी? क्या हमने कोविड काल में काम करके गलती कर दी? हमने सैंपल लेके गलती कर दी? हमारे साथियों को शहीद करवाकर हमने गलती कर दी? ऐसी कौन सी गलती कर दी जो सरकार हमें ये सज़ा दे रही है कि आज हमारी भर्ती जारी नहीं हो पा रही? ऐसी कौन सी मजबूरी है सरकार की जो हमारी को ये सूची जारी नहीं हो पा रही? दिवाली के दिन जिनको तोहफा मिलना चाहिए वो आज धरने पे बैठे हैं। सरकार इस बात का जवाब तो दे कि आखिर किस बात के लिए आप हमें परेशान कर रहे हैं, क्यों ये भर्ती की सूची जारी नहीं हो पा रही? चयन सूची जारी करने के लिए सरकार चाहे तो 1 घंटे का काम है, सरकार चाहे तो सालों लगा सकती है, मगर सरकार की मंशा साफ दिखाई नहीं दे रही। एक संवेदनहीनता की चरम पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। आज 22 दिन से हम बेरोजगार बनकर यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं। बच्चों का फोन आता है, बच्चे कहते हैं पापा कब आओगे, नहीं बोल सकता मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भावुक हो गई है, इस तरीके से सरकार की जो संवेदनशीलता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। किस तरीके से हमने देखा, भी हमने उनसे बात की कि बेरोजगारों के लिए एक जो दिवाली वो काली दिवाली बन चुकी है, और इसी को लेकर बात करेंगे इनसे। कौन से भर्ती के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं इस टाइम पे धरना स्थल पर? रेट 2018 को लेकर तृतीय वर्धिता सूची आए हुए हमारे को 10 महीने हो चुके हैं। कोर्ट का लेकर के हमारे को गुमराह बनाया जा रहा है। 10 महीने से गवर्नमेंट हमारे साथ होकर के भी अच्छी प्रकार से पैरवी नहीं कर पा रही है। पिछले बीकानेर निदेशालय के सामने हम 110 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार, और 22 दिन हो गए यहाँ पर भी। और महेश जी जो से हमारे 5 भाई अनशन पे बैठे थे रेट 2018 के, उपेंद्र जी की तबीयत ख़राब होने के बाद में, महेश जी जोशी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि केवल और केवल एक सरकार से AG साहब को कॉल करके केवल यही आदेश देना है कि अच्छी प्रकार से पैरवी की जाए। अब हमारे को डेट के ऊपर डेट मिलती जा रही है। 12 नवंबर को हमारे सरकार से ये गुजारिश है कि अच्छी से अच्छी पैरवी करवा करके और इस भर्ती का निस्तारण करवाया जाए और तुरंत प्रभाव से हमारे ज्वाइनिंग के ऑर्डर करवाए जाए। अभी रीट का जो रिजल्ट है वो जारी हुआ है, जो गहलोत सरकार ने तोहफा दिया है जिन जिन ने ये रीट का एग्ज़ाम दिया उनको, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे?
यही है, अच्छा है। हमारे पहले 3-4 महीने में रिजल्ट आया था, इस बार है बहुत जल्दी रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया बात है। रिजल्ट आना भी चाहिए और उनको भी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग वगैरह नियुक्ति प्रक्रिया और बीकानेर से नोटिफिकेशन भी जल्दी से जल्दी जारी करनी चाहिए। जहां एक और सरकार ने रीट का रिजल्ट जारी कर कर लोगों को तोहफा दिया, बच्चों को तोहफा दिया, यहां पर अभ्यर्थियों को तोहफा दिया, तो वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहां पर दिवाली के दिन यहां पर इस तरीके से ये धरना प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन जो है वो 22 दिन से लगातार यहां पर जारी है, लेकिन फिर भी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। हमने अभी देखा किस तरीके से यहां पर जो अभ्यर्थी हैं, जो बेरोजगार है, वो किस तरीके से यहां पर अभी भावुक हो गए, क्योंकि आज दिवाली के दिन वो अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे, अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे। सरकार से यही कहना चाह रही है सभी लोग कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को देखें, उस पर सोच करें, उस पर विचार करें, विचार विमर्श करें कि किस तरीके से उनकी मांगों को पूरा करना है और क्या कुछ करना है। वीडियो जर्नलिस्ट पूर्विका के साथ दीपिका चांगड़ की रिपोर्ट।